फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले पे, जहाँ पे बन रहा है एशिया का सबसे लंबा रेलवे सेपरेट ब्रिज। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, सामने आपको पियर और पियर कैप दिख रहा है, वो रेलवे सेपरेट ब्रिज का है। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक है और ट्रैक के दोनों साइड ब्रिज बनना है। देख सकते हैं सामने यहाँ पे एक पियर है। अभी हम जिस एरिया पे हैं, ये है मध्य प्रदेश का कटनी ज़िले का मुड़वारा स्टेशन के थोड़ा आगे पड़ता है ये कैलवारा गांव। ये आगे है कैलवारा। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये है बीना और ये है सिंगरौली। सिंगरौली टू बीना लाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं पियर और पियर कैप रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे पियर की हाइट ज़्यादा नहीं है, लगभग ग्राउंड लेवल से 2 मीटर हाइट पे है और इधर चलते हाइट बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जिस प्लेन को जॉब वगैरह की ज़रूरत है, वो आ सकता है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले के पड़ारिया ग्राम में। इसका एलएनटी जियो स्ट्रक्चर का ऑफिस है यहाँ पे और इसका मेन क्लाइंट इरकान है। यहाँ पे जो इसके ऊपर लड़ा रखने हैं, उसका भी असेंबली होती है। तो जो लोग फैब्रिकेशन वर्क करना जानते हैं, वो फैब्रिकेशन वाले आ सकते हैं। जो लोग क्लाइंट का काम कर सकते हैं, इरकान में आ सकते हैं। बाकी लोग एलएनटी जियो स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार और जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट पे मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। इस ब्रिज की टोटल लंबाई करीब 34 से 35 किलोमीटर होने वाली है। जो आप सामने देख पा रहे हैं, जहाँ तक वहाँ तक आपका पियर है और पियर कैप है। उसके आगे रिटेनिंग वाला है, उसके आगे ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जा रहा है, नॉर्मल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। रेलवे सेपरेट ब्रिज का काम दोनों ट्रैक के बाजू से हो रहा है, जैसा कि आप देख पाएंगे वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ये देख सकते हैं डाउन लाइन है और ये अप लाइन है। अप लाइन और डाउन लाइन को मिला के टोटल करीब 34 से 35 किलोमीटर होने वाला है। आगे पड़ेगा आपका मझिकवा स्टेशन और इधर पड़ेगा आपको जहाँ से ब्रिज शुरू होता है झलवारा स्टेशन। इनके बीच की डिस्टेंस करीब 16-17 किलोमीटर है और दोनों साइड मिला के 16 किलोमीटर अप लाइन और 16 किलोमीटर डाउन लाइन मिला के होने वाला है कि टोटल 34 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। जैसे आप सामने पियर देख रहे हैं, इस प्रकार के करीब 700 से ज़्यादा पियर हैं और पियर कैप रेडी किए जाएंगे। इसके ऊपर गर्डर रखा जाएगा और गर्डर के ऊपर बनेगा डेक स्लैब। अगर इन सब का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप विजिट कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजना है जिनको जॉब की ज़रूरत हो। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। हमें बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू सो मच।